सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, झारखंड राज्य को स्थापित हुए 20 साल हो गए हैं। इस दौर में झारखंड राज्य ने कई उतार और चढ़ाव देखे हैं। झारखंड का हर जिला प्रगति की ओर धीरे ही सही लेकिन अग्रसर है। झारखंड के विकसित और विकासशील जिले में कितना फर्क है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हैं झारखंड या इसके आसपास के, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं सिमडेगा जिला और रांची जिला, इन दो जिलों में से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा विकसित और खूबसूरत है बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड का कोना कोना अपने में बेहद ही खास है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जिले को छोटा या बड़ा कहने का बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपैरिजन मेयरली इन जिलों के फैक्ट्स पर आधारित है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिमडेगा और रांची जिले पर कंपैरिजन करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। नंबर वन, एरिया। दोस्तों, रांची जिला झारखंड राज्य की राजधानी है और इसका टोटल एरिया 5097 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 1164 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पर्वतों और जंगलों के अधीन है, जबकि सिमडेगा जिले का टोटल एरिया 3761.2 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 1241 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगलों के अधीन है। यानी इस हिसाब से रांची जिला सिमडेगा जिला से काफ़ी बड़ा है। नंबर टू, पॉपुलेशन। दोस्तों, 2011 के आंकड़ों के अनुसार सिमडेगा जिले का टोटल पॉपुलेशन 5,99,578 है, जबकि रांची जिले का टोटल पॉपुलेशन 29,14,253 है। यानी कि मैन पावर में भी रांची जिला सिमडेगा जिले को काफ़ी पीछे छोड़ता है। नंबर थ्री, लिटरेसी रेट। दोस्तों, 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही झारखंड की राजधानी रांची का लिटरेसी रेट 76.06% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 67.44% है, जबकि सिमडेगा जिले का लिटरेसी रेट 67.59% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.08% और महिलाओं की साक्षरता दर 59% के करीब है। नंबर फोर, सेक्स रेशियो। दोस्तों, सिमडेगा जिले का सेक्स रेशियो 1000 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जबकि रांची जिले का सेक्स रेशियो 949 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यानी कि इस मामले में सिमडेगा एक बहुत ही मजबूत जिला है और महिला और पुरुष की इक्वालिटी इस जिले में व्याप्त है। नंबर फाइव, पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, एक और रांची जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय 24,529 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि सिमडेगा जिले का पर कैपिटा इनकम 14,786 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का है। यानी कि रांची जिला इस मामले में सिमडेगा से थोड़ा सा आगे है। नंबर सिक्स, एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन के मामले में झारखंड की राजधानी रांची सिमडेगा जिले से काफ़ी आगे है। रांची जिले को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, जहां रांची जिले में BIT मेसरा, रांची यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी श्यामली, संत जेवियर कॉलेज और इन जैसे लगभग सैकड़ों शिक्षण संस्थान हैं, जबकि सिमडेगा जिले में सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा, गर्ल्स इंटर कॉलेज, गौसनर इंटर कॉलेज, संजीवनी कॉलेज, संत मैरी इंटर कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान शुमार हैं। नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। जहां सड़क मार्ग में रांची जिले से नेशनल हाईवे 7, 47 और 68 गुजरती है, वहीं रेलवे स्टेशन की बात करें तो रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन राज्य के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। वहीं हवाई मार्ग में झारखंड की राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट दिल्ली, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। वहीं सिमडेगा जिले के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सिमडेगा तक पहुंचने के लिए आप सड़क और रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमडेगा जिले से रेगुलर बस सेवाएं आसपास के कई बड़े शहरों के लिए उपलब्ध है। वहीं नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में वीर मित्रपुर, कानारोवा और बानो मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। नंबर 8, इकोनॉमी। दोस्तों, रांची जिले में मुख्य रूप से सर्विस, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस आय के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा पर्यटन और यहाँ पर मिलने वाले मिनरल रिसोर्सेज के बदौलत ये जिला काफ़ी डेवलप कर रहा है। वहीं बात अगर सिमडेगा जिला की इकोनॉमी की करें तो सिमडेगा जिले के लोग मुख्यतः कृषि पर डिपेंडेंट हैं। इसके अतिरिक्त जंगली उत्पाद तथा पर्यटन भी कुछ हद तक यहाँ के मुख्य जीविका स्रोत में शामिल है। नंबर 9, हेल्थ सर्विस एंड हॉस्पिटल्स। दोस्तों, सिमडेगा जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 7 ब्लॉक लेवल PHCs, एक रेफरल हॉस्पिटल, 155 हेल्थ सब सेंटर और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स शामिल हैं। वहीं रांची जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 14 PHCs, 328 हेल्थ सब सेंटर, 22 अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट और कई सारे शानदार और वर्ल्ड क्लास सुविधा युक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी रांची जिले में ही है। नंबर 10, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेड ऑफिसेस। दोस्तों, रांची जिले में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड क्वार्टर्स और ऑफिसेज हैं, जिनमें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, HEC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इन जैसे लगभग 15 कंपनियां शामिल हैं। वहीं सिमडेगा जिले में कुछ बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज शामिल हैं और कई बड़े कंपनियों के ऑफिसेज को यहां लाने की तैयारी की जा रही है। नंबर 11, फेमस पर्सनैलिटीज। दोस्तों, झारखंड के लोग पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। जहां एक ओर सिमडेगा जिले के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों में अंशुता लकड़ा, बिमल लकड़ा, सुमराई टेटे, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और डॉक्टर सिद्धार्थ जैसे महान विभूतियां शामिल हैं, वहीं रांची जिला भी महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार क्रिकेटर का गृह नगर है। नंबर 12, टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, टूरिस्ट प्लेसेस में झारखंड राज्य का हर जिला अपने आप में संपन्न है। जहां एक ओर सिमडेगा में भैरव बाबा पहाड़ी, दान गद्दी, केतुंगा धाम, बनदुर्गा, रामरेखा धाम और केलाघाग डैम जैसे शानदार डेस्टिनेशंस हैं, वहीं रांची को भी झरनों का जिला कहा जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में जोन्हा फॉल, दसम फॉल, टैगोर हिल,
रॉक गार्डन, हुंड्रू वाटरफॉल और पहाड़ी मंदिर जैसे सुंदर और रमणीय पर्यटन स्थल शुमार हैं। नंबर 13, क्राइम रेट। दोस्तों, क्राइम रेट में एक ओर जहां रांची जिले का क्राइम रेट 2018 में 187.70 था, वहीं सिमडेगा जिले का क्राइम रेट 2018 में मात्र 63.04 था। यानी कि सिमडेगा जिले में रांची जिले की तुलना में काफी कम आपराधिक मामले हुए थे। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिमडेगा और रांची, इन दोनों जिला में से आपको सबसे विकसित और सबसे सुंदर जिला कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।